जहां रोडवेज डिपो को अब जल्द 20 नई बसें मिलने जा रही हैं। बता दें कोटा डिपो में फिलहाल 80 से अधिक बसें बताई जा रही हैं। नई बसें मिलने के बाद कोटा डिपो में बसों का आंकड़ा 100 के पार पहुंच जाएगा। बताया जा रहा है कि नई बसें मिलने के बाद न केवल यात्रियों को फायदा मिलेगा बल्कि जिन रूट पर बसें बंद हो चुकी हैं उन रूटों पर फिर से नई बसें चलाई जा सकेंगी। इसी क्रम में रोडवेज डिपो नयापुरा बस स्टैंड के इंचार्ज नासिर अली ने कहा कि अगले महीने तक कोटा डिपो को भी 20 नई बसें मिलने की उम्मीद है। कोटा से महेंद्र मीना की रिपोर्ट। नई बसें अगले महीने में आ जाएंगी। अभी हमने करौली के मेले में गई हुई है गाड़ियाँ, कुछ गाड़ियों की बोडियाँ बन रही हैं, कुछ गाड़ियाँ अनुबंधित आ रही हैं और गाड़ियाँ अगले महीने से आ जाएंगी। कोटा डिपो में 20 गाड़ियाँ हैं, 25 मांगी पर 20 मिलेगी, 20 गाड़ी मिल जाएगी। हाँ, 102-103 करीबन गाड़ी हो जाएगी।